हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं चूल्हे पे सब्जी। सब्जी भी ऐसी बनाने हैं काफ़ी डिफरेंट, जो भी मतलब सर्दियों में काफ़ी यूज़ होती है। तो वो सब्जी का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चूल्हे पे हम बनाने वाले हैं, जो सब्जी बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये हमने टमाटर काट रखे हैं, लहसुन काट लिए, प्याज काट लिए और धनिया काट लिया। ये है मिर्च है और ये है जीरा। ये फाइनली हमने वो गोभी वगैरह काट चुके हैं और रेडी है गोभी। और फाइनली सारी चीज़ तो हमारी रेडी है और चूल्हा हमारा रेडी हो ही रहा है। लकड़ी वगैरह रेडी हो चुकी है और चूल्हा अपन लोगों ने लगा लिया है और बच्चे लोग खेल रहे आराम से। और ये देखो गाइस, यहाँ पर डिसीजन चल रहा है कि चूल्हा कैसे क्या करना है, क्या करना, बट हम थोड़ा चूल्हा पीछे करेंगे, क्या करेंगे। तो चले चलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, चूल्हा हमने थोड़ा पीछे हटा दिया दीवार से क्योंकि काफ़ी दूर था। तो फाइनली लकड़ी वगैरह हमारी रेडी हो चुकी है और बच्चे लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और फाइनली हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है। अब जल्दी जल्दी इसमें आग जलाते हैं, फिर गोभी की तैयारी करते हैं। आज हम गोभी और गोभी के साथ रोटी बनाएंगे और मक्का की रोटी भी बनाएंगे, तो देसी लुक में देसी टेस्ट। चलो एक मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस ये हमने देखो लहसुन वगैरह डाल दिया है कढ़ाई में, तो फाइनली तड़के की रेडी कर रहे हैं। और ये प्याज व्याज, अब प्याज जा रहा है अपना कढ़ाई में। हाँ लगता है काफ़ी टेस्टी बनेगी गोभी। गोभी यार काफ़ी मस्त बनने वाले हाल वाले हैं यार आज। ये देखो गाइस, अब बच्चे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस सोच में पड़ गए हैं बच्चे। ये गाइस तो फाइनली ये देखो प्याज तो भून रहा है। कितना टाइम लगा प्याज भूनने में? 5 मिनट गाइस, पता चला है कि मुझे सूचना मिली है 5 मिनट लगेगी इसमें। और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे सब्जी। सब्जी डालेंगे पहले? अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये है पहले प्याज के बाद ये जाएंगे अपना आलू गोभी। क्यों आलू गोभी जाएंगे? तो गाइस ये देख लो, आलू गोभी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्याज व्याज ये क्या डालेंगे, प्याज टमाटर हरी मिर्च और फिर उसके ऊपर से डालेंगे धनिया। तो चलो वेट कर लेते थोड़ा, तो भी डाल लें ये 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो भुनने का वेट कर लेते थोड़ा, ठीक है। हाँ तो गाइस फाइनली ये देखो हमने गोभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो फाइनली ये गई गोभी अपनी कढ़ाई में और इसको थोड़ा चला लेते हैं, ये थोड़ा पकेगी उसके बाद डालेंगे। हाँ, तो गाइस सुनने में आ रहा है पहले भून लेते हैं इसको, भूनने से क्या थोड़ा फ्राई फ्राई सी हो जाएगी, इसमें टेस्ट ना अच्छा खासा चला जाएगा। और उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर मसाला, क्या मसाला डाल देंगे। तो बच्चे लोग तो अपना एंजॉय कर ही रहे हैं, खेल रहे हैं, ये भी अपना लगे हुए हैं। तो चटपटी बनानी है हमें, तो इसलिए हमने काफ़ी इसमें मिर्ची काफ़ी अच्छी खासी काटी हुई है। तो वेट कर लेते थोड़ा पकेगी उसके बाद इसमें डाल देंगे। गाइस आँख तो अच्छी खासी लगी हुई है, मस्त। गाइस फाइनली हमने ऐड कर दिया टमाटर और हरी मिर्च और धनिया इसमें ऐड कर, धनिया भी ऐड नहीं करा, धनिया हमारा रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो धनिया हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे, बट ये है कि गाइस टमाटर वगैरह हरी मिर्च हमने डाल दिया है, बाकी धनिया वो तो डाले नहीं हमने, मसाला वगैरह तो डाले नहीं है। तो गाइस मसाला हम थोड़ी देर में डालेंगे, पहले हल्की से पक जाए उसके बाद मसाला डालते हैं। तो गाइस फाइनली गोभी बन चुकी है, 5-10 मिनट और पकाना, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी ना। हाँ, ये रेडी हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखो गाइस काफ़ी स्पाइसी और टेंगी टाइप की गोभी बन रही है, काफ़ी मस्त होगी खाने में, काफ़ी अच्छा लगेगा चूल्हे की रोटी के साथ। तो 10 मिनट और लगेंगे, ऑलमोस्ट ये पक जाएगी, 50% तो पक गई है और अभी हमने थोड़ी कम कर दी है वरना तो चल जाएगी। तो उसके बाद गाइस हम रोटी बनाएंगे चावल के आटे की और गेहूँ के आटे की। ये देखो पासलिया गोभी बन चुकी है, टेस्टी भी होगी, काफ़ी अच्छी होगी, आई थिंक पक गई है ना। हाँ चलो काट लो। ये देखो गाइस हमें दे रहा है, इसने दे दिया मुसल, ये रोटियां बन रही है मस्त मस्त। ये देखो गाइस
ये चावल की आटे की रोटी है, जिसे बड़े शहरों में तो नहीं लोग खाते, बट गाँव में बहुत लोग इसको इंजॉय करते हैं घर पे आए तो गाइस ये देखना कैसे बनती है चावल की आटे की रोटी, काफ़ी मस्त है खाने में तो यार, मस्त लगती है अगर चूल्हे पे बनी है। देखो आटा कितना वाइट टेस्ट है, और ये अपना चूल्हा रेडी हो चुका है, और फिर वेट करते हैं रोटी के बनने का इंतज़ार। तो डाल दो इसको, हो गया पतली बनाना, लेकिन तो गाइस पतली बनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। डाल दो मुझे, हाँ मजा की तो गाइस बन रही रोटी, तो अब खाते हैं एंजॉय करते हैं रोटी को, टेस्ट करेंगे खा के देखेंगे। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये थाली, चूल्हे की थाली है गोभी और चावल की रोटी।